मेरा नाम है जनार्दन लोड़पा पात्रे, अंदड़गाँव, वार्ड नंबर 2, तालुका मौड़ी, जिला भंडारा। प्रॉब्लम यह है कि अपनी जगह पे किसी ने अतिक्रम किया है और वो अतिक्रम नहीं हटा रहा है। अपनी खुद की जगह होने के बाद भी वो अतिक्रम क्यों नहीं हटा रहा है? ग्राम पंचायत का कहना है और अन्य अधिकारियों का कहना है कि ये अतिक्रम दीवानी कोर्ट का काम है, ये हमारा काम नहीं है। नहीं, अतिक्रमण अगर हुआ होता, अतिक्रमण बोला जाता है सरकारी जगहों को कब्जा करना, उसको अतिक्रमण। ये तो आपकी ज़मीन में कब्जा किया गया है ना, फिर भी तो ये हटने को होना ना। तो इसकी शिकायत ग्राम पंचायत वगैरह पे की आपने? सब कुछ कर दिया, अपने पास नकाशे भी है। क्या कहा जा रहा है उनके द्वारा? उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अपने लेवल पे यानी गिरा दो। आप अपने लेवल पे? हाँ, अपने लेवल पे। जब मैं अपने लेवल पे कर सकता हूँ तो ये ग्राम पंचायत सरपंच या अधिकारी क्यों? सब कुछ जनता ही अपने मन से कर सकती है ना। इसकी FIR वगैरह लिखा है आपने थाने पे जाके? हाँ लिखा है। क्या क्या है आपके पास? पेपर है, ये नकाशा है सिटी सर्वे का, ये जो पेपर पे ये सारे सदस्यों के नाम लिखे हैं आपके। हाँ हाँ ठीक है, ये पूरे हाँ। सदस्यों का क्या कहना है? ये सदस्यों का कहना है जब यानी मोजमाप हुआ है तब इनका मानना था कि हमने यानी अतिक्रम है। अच्छा, और जिन्होंने कब्जा किया हुआ उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि हम नहीं छोड़ सकते। अच्छा, कितने वर्ष से किया है? हम जब छोटे छोटे थे तब इन्होंने किया है। हमारी शासन से क्या चाहते हैं आप? हम मैं शासन से यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये अतिक्रम हटने को होना, क्योंकि मेरा घर कुल आया हुआ है 2015-16 का घर कुल है। पंचायत समिति से लेटर आ रही है कि आप दीवानी कोर्ट में हाजिर हो जाओ, 30,000 रुपये जो उठा है वो भर के दो। ये सब प्रकरण में पूरा पैसा खर्च हो गया, अभी मैं कहाँ से भर के दूँ? सरपंच का क्या कहना है? सरपंच का कहना है कि तुम घर बनाओ नहीं तो दीवानी कोर्ट में हाजिर हो जाओ।